हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से। तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन के बारे में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, ठीक है, और इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमको दो ही चीज के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन और इसके इक्वेशन के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर में हम रिएक्शन को RE(a)n लिखेंगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट में रिएक्शन को यही लिखेंगे बार बार, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और इक्वेशन को EQ(n), ठीक है, ये दोनों शॉर्ट में लिखा जाता है रिएक्शन और इक्वेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो फर्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसको पहले हम जान लेते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं केमिकल रिएक्शन। तो पहले समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है एक ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का एक प्रोसेस है। तो लिखिए इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस, सॉरी वन और मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन और प्लस ऑक्सीजन है, तो ये हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है। वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल HCl ले लीजिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो ये क्या बना देगा, HCl बना देगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन और उसका एग्जांपल। फ्रेंड्स अभी सीख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसी में एक चीज और सीख लेते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि हमारे पास जो था कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, इसको फिजिकल मेथड से हम फिर से इसको तोड़ के ये नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स मतलब जो हम बना लिए उसको फिर से मतलब उसके एलिमेंट्स में नहीं ला सकते, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम सीखेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हमारा इन्वॉल्व होता है। तो क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मतलब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब उसके उस टाइम क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट देख लीजिए चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखिए स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड। लिक्विड को LIQ से लिखते हैं और डॉट देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड सॉलिड लिक्विड और गैस, तो देखिए चेंज इन द स्टेट में ये होगा। मतलब जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बना रहा है वाटर H2O। तो हाइड्रोजन क्या हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है गैस है, और फॉर्मेशन किसका कर रहा है वाटर का। वाटर क्या होता है हमारे पास लिक्विड। तो देखिए क्या चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में चेंज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर गैस है यहाँ पे गैस है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है लिक्विड, तो इसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें हीट देते हैं तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन कलर, कलर में भी हमारा चेंज आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इसका मतलब होता है गैस का इवॉल्व होना, मतलब जैसे कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें गैस निकलता है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब निकलना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक लगा लेते हैं केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, मतलब कौन कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, हैपन इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ, ठीक है। तो देखिए इस पे सबसे पहला आता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड को पाचन करने में जो मदद करता है, भोजन को जो पचाने में जो मदद करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पेट में एक लेयर होता है, ठीक है, स्टमक में हमारा एक लेयर होता है जो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो हेल्प करता है हमारा डाइजेशन में। तो लिख लीजिए फर्स्ट में डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, सेकेंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब होता है कि सांस जो अंदर लेते हैं या फिर जो सांस छोड़ते हैं उस वो जो प्रक्रिया होता है उसमें भी हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड लगा लीजिए रिस्पायरेशन, फिर थर्ड लिखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। तो आयरन में जो जंग लगता है वो ये केमिकल रिएक्शन है, कैसे, जब हमारा जो आयरन है उस पे जब एयर और वाटर दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तब रस्टिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें फोर्थ हो गया क्या, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोर्थ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कर्ड मतलब होता है दही, ठीक है। तो जो दही का फॉर्मेशन होता है उसमें भी हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं ना, उसी के कारण जो मिल्क हमारा कर्ड में बदल जाता है, ठीक है। तो उसमें भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सीखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो टॉपिक लगा लिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखे रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन लीजिए, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसको हम एग्जांपल से भी समझाएंगे, ठीक है। अभी पहले डिफाइन कर लिया प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मतलब द सब्सटेंस विच formed in chemical reaction, which formed in chemical reaction। तो देखिए वही एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म करता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फॉर्मेशन करता है। तो देखिए इसमें हमारा कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है वो जान लेते हैं। देखिए क्या है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो इसमें कौन टेक पार्ट कर रहा है, तो हमारा पार्ट ये हो रहा है, टेक पार्ट ये कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, और द सब्सटेंस विच फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन। देखिए ये जो टेक पार्ट कर रहा है इसी से ना हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ क्या है, द सब्सटेंस विच फॉर्म, फॉर्म ये हो रहा है हमारा, फॉर्म तो ये नहीं हो रहा है, ये तो हम लोग दे रहे हैं तब ये फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब
एक और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो वही देखिए फिर से HCl या फिर वाटर या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं MgO। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टेक पार्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट। एक चीज सिंपल से याद रखिए, ये कौन सा साइड हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा साइड हो गया, राइट साइड। तो राइट साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है, ये सिंपल से याद कर सकते हैं, आर से राइट, आर से रिएक्टेंट, ठीक है। ये ट्रिक भी हो गया याद रखने का, और तो ये याद रहेगा तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, ये जब रिएक्टेंट है अगला प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए नेक्स्ट। अब ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे Mg अभी लिए थे, Mg + O2 gives MgO, मतलब मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों मिला के हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए केमिकल ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते। केमिकल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसको स्टेट के साथ लिखेगा। स्टेट क्या होता है हमारे पास, स्टेट होता है सॉलिड, सॉलिड को एस से डिनोट करते हैं, फिर हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं, फिर हो जाएगा हमारे पास गैस, ठीक है, गैस को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट हो गया हमारा, जब स्टेट के साथ लिखेगा केमिकल रिएक्शन को तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो देखिए मैग्नीशियम हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस में होता है, ठीक है, और ये भी हमारा गैस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता होगा कि ये याद कैसे करें, ये याद करने में कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ले लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर H2O। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा गैस होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब होता है एयर, तो ऑक्सीजन हमेशा ही गैस होगा हमारा, ठीक है, और ये वाटर, वाटर क्या होता है लिक्विड। तो देखिए ये जब रिप्रेजेंट करती है हम स्टेट के साथ, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भी हमारे सिर्फ दे दिया रिएक्शन, दे दिया कोई भी रिएक्शन, दे दिया सिंपल सवाल लिया, ये रिएक्शन दे दिया है और पूछ दिया इसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, उसको आप सिर्फ स्टेट के साथ लिख दीजिएगा तो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो जैसे हाइड्रोजन का होता है हमारा गैस, ऑक्सीजन का होता है गैस, और वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक लगा लीजिए, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दोनों सेम है रिएक्शन और इक्वेशन, लेकिन सिर्फ स्टेट में फर्क है। इसमें स्टेट के साथ आप रिप्रेजेंट कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं इस पे, लेकिन उसमें स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है, तभी वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो लिख लीजिए टॉपिक लगा लीजिए हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट लिखेंगे तो थोड़ा आपको याद भी होता जाएगा उस तरह। तो जैसे अभी लिए थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो देखिए ये जो लिए थे हमारे, ये हमारा बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो फॉर ये एग्जांपल दे रहे हैं हाउ टू बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टेट के साथ लिखिए, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड होता है, हमारा ऑक्सीजन जो गैस होता है, और ये भी जो हमारा गैसियस आता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हाउ टू बैलेंस, तो हम सीखेंगे बैलेंस कैसे करते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ एक है, वहां पे भी मैग्नीशियम एक है हमारा, ये बैलेंस है हमारा, वहां यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है हमारा एक है, दो नहीं एक है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब सीखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है दो है, वहां ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम भी दो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा। देखिए यहाँ दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ठीक है। कभी भी गलती से ये यहाँ दो लगाने के सिवा यहाँ मत लगा दीजिएगा, कभी भी यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जब भी बैलेंसिंग करना है तो हमेशा आगे ही लगता है,
ठीक है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा ये भी गैसियस के फॉर्म में होता है, अमोनिया भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखिए तीनों हमारा गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप बैलेंस है या नहीं वो पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो नाइट्रोजन या एक नाइट्रोजन, ये बैलेंस नहीं है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए आप, यहाँ दो है यहाँ एक है, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, दो हो गया नाइट्रोजन, और ये कितना हो गया, अब ये सिक्स हो गया, क्योंकि ये टू इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पहले से थ्री था और टू मल्टीप्लाई हो गया, तो सिक्स हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो सिंपल सा इसको थ्री से कर दीजिए, तो ये भी सिक्स हो गया, ये टू हो गया, ये टू, ये सिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हम सीख रहे थे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आता है कि ये कोई इक्वेशन दे दिया उठा के, अब उसमें पूछ दे इसको बैलेंस कीजिए आप, एक नंबर दो नंबर का ये आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक सीख चुके हैं हम क्या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इससे हमारा ये नाम से ही पता चलता है, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन कर गया, या फिर मतलब एक या एक से अधिक मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हमारे पास यही है, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि द रिएक्टेंट, या फिर इसका लिखिए आप द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, इन विच टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखिए इसी से पता चल गया हमारा कॉम्बिनेशन, मतलब देखिए द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है हमारे पास और एक क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट हमारा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये CO2 बना रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन और इसका एग्जांपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बहुत सारे, अभी और 3-4 बाकी हमारा, उसमें भी उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, तो वो करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। थैंक यू।